अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं 15.1 का। ये कहता है तीन सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है और इनमें से निम्नलिखित परिणामों की बारंबारता ये फ्रीक्वेंसी दी है। तीनों ही चिताएं 23, चित मतलब हेड, दो चिताएं 72, एक ही चित आया 77 और कोई भी चित नहीं आया 28। यानी तीन बार हमने सिक्का उछाला, तीनों के तीनों हेड आए 23, एक बार भी हेड नहीं आया 28, 200 हमने 200 बार सिक्का उछाला था, दो बार चित, ये हमको आंकड़ा आया। देखो बेटा, हम जो ये प्रायिकता पढ़ रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था प्रायिकता का, कि हमारे पास में दो तरह की प्रायिकता होती है, एक सैद्धांतिक और एक होती है प्रायोगिक। हम अभी प्रायोगिक और आनुभाविक प्रायिकता कर रहे हैं, हम लोग सैद्धांतिक वाला नहीं करेंगे, क्योंकि सैद्धांतिक में क्या होता है कि हम कहते हैं सिक्के के हेड आने की संभावना 1/2 होती है, या हम 1/2 1/3 की बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि भैया हमने जो प्रयोग किया है वो हम देखेंगे। तो हमने कहा कुल हमने कितनी बार उछाला, 200। अब ये कहते हैं तीन सिक्कों को अगर पुनः एक बार उछाला जाए तो दो चित के आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हमने ये प्रयोग कर रखा है, ये हमारा अनुभव बता रहा है। अब हमने कहा कि फिर अगर उछालते हैं तो दो चित, सिर्फ मैंने कहा दो चित। अब यहाँ पे ना कम से कम और ये सब ध्यान रखना है बेटा, ये सब में सवाल घूम जाता है, आगे जब आएगा तब अपन बात करेंगे। तो मैंने कहा अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी तो दो चित आने की संभावना कितनी है, 72, और हमने टोटल कितने अभी प्रयोग किए थे, 200। तो हम कहेंगे कि दो दो चित आने की संभावना कितनी है, तो मैंने कहा 72/200। अब इसको मैं 4 से कैंसिल कर दूं तो 18 चौके 72 50, फिर 2 से काटा तो 9/25, तो मैंने कहा 9/25 हमारा आंसर। क्या संभावना बोली है, मैंने कहा दो चित, तो मैं सिर्फ दो चित आने की बात करूंगा, तो दो चित 72 बार आया था, कितने में से, 200 में से, तो 72/200। एक बोलता तो ये ले लेते, कोई चित नहीं आने की संभावना ये होती है, और तीन चित आने की ये संभावना।